So good morning to all of you and welcome to the ICC IAS Academy. So in the last video we discussed about the fast measurement under quantitative method, that is nothing but our rationing of credit. So in today's video we'll discuss about the second measurement under qualitative methods, that is variation in margin requirement. So give the heading that variation in margin requirement. See, variation in margin requirement को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तरह समझते हैं. लेट सपोज देर इज ए फार्मर हियर एंड दिस फार्मर इज ग्रोइंग ए क्रॉप ऑफ व्हीट. ग्रोइंग ए क्रॉप ऑफ व्हीट. अब ये फार्मर के पास यहाँ पर एक लैंड है और इस लैंड पे वो यहाँ पर व्हीट का जो क्रॉप है उसका यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है. ये है उसका व्हीट का क्रॉप. अब देखिए ध्यान से, ये जो फार्मर है इसको भी पता है कि उसके लैंड के ऊपर जो अभी व्हीट का क्रॉप है उसमें से व्हीट बन के रेडी होने में टोटल 6 मंथ्स का टाइम लगेगा. 6 मंथ्स का यहाँ पर टाइम लगेगा. तो ये जो 6 मंथ्स के टाइम के अंदर इस क्रॉप को टेक केयर करने के लिए उसको यहाँ पर फर्टिलाइजर का भी स्प्रे करना होगा, वाटर का भी खर्चा है, यहाँ पर डेली लेबर का भी यहाँ पर उसका खर्चा है. तो टोटल ये जो फार्मर है वो यहाँ पर ये एस्टिमेट कर रहा है कि इन 6 मंथ्स के अंदर टोटल इसको यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है. 20 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है. बट 20 लाख रुपीज़ जो है वो इस फार्मर के पास नहीं है. तो अभी इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर बैंक से तो ये फार्मर जो है वो यहाँ पर इस बैंक को अप्रोच करेगा. तो फार्मर है वो यहाँ पर बैंक के अंदर जाकर ये बोलता है कि सर मेरे पास एक लैंड है और इस लैंड के ऊपर अभी व्हीट का क्रॉप है, बट यहाँ पर व्हीट बन के रेडी होने में टोटल मुझे 6 मंथ्स का टाइम लगेगा. तो इस 6 मंथ्स के अंदर डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए मुझे 20 लाख रुपीज़ लोन चाहिए. बट यहाँ पर एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है कि ये फार्मर यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे 20 लाख रुपीज़ तो लोन चाहिए बट मैं अपने लैंड को एज ए प्लेज नहीं रखने वाला हूँ. मैं 20 लाख के लोन के ऊपर अपने लैंड के ऊपर जो यहाँ पर व्हीट का क्रॉप है उस व्हीट के क्रॉप को यहाँ पर एज ए प्लेज रखने वाला हूँ. इसका मीनिंग क्या है देखिए, फार्मर ये बोल रहा है कि 20 लाख तो मुझे लोन चाहिए बट यहाँ पर मैं अपना लैंड जो है उसको यहाँ पर गिरवी नहीं रखूंगा. मैं यहाँ पर 20 लाख के लोन के ऊपर अपने लैंड के ऊपर जो यहाँ पर क्रॉप है उस क्रॉप को यहाँ पर मैं गिरवी रख रहा हूँ. तो जब भी कोई बैंक यहाँ पर कोई भी लैंड के ऊपर जो क्रॉप होता है उस क्रॉप के ऊपर कोई फार्मर को लोन प्रोवाइड करता है तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियल कॉमोडिटीज. एसेंशियल कॉमोडिटीज. और ये एग्जाम में बहुत बार इसका ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो पूछा गया है. देखिए हम यहाँ पर लैंड को एसेंशियल कॉमोडिटी नहीं बोलते, हम लैंड के ऊपर जो क्रॉप होता है उस क्रॉप को यहाँ पर एसेंशियल कॉमोडिटी बोल रहे हैं. दैट मीन्स ये जो फार्मर है उसको 20 लाख रुपीज लोन तो चाहिए बट उसके बदले में वो यहाँ पर अपना एसेंशियल कॉमोडिटीज लाइक उसके लैंड के ऊपर जो क्रॉप्स है उसको यहाँ पर गिरवी रखना चाहते हैं. देन यहाँ पर जो बैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए क्या जो फार्मर है वो यहाँ पर सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. और वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करके ये देख रहे हैं कि हाँ ये जो फार्मर है वो सही बोलता है और इसके लैंड के ऊपर अभी व्हीट का जो है क्रॉप है. तो यहाँ पर बैंक जो है वो यहाँ पर एस्टिमेट करके देखता है कि जो फार्मर है इस फार्मर ने यहाँ पर 20 लाख तो डिमांड कर लिया था बट बैंक यहाँ पर ये एस्टिमेट कर रहा है कि हम इसको यहाँ पर 16 लाख से लोन प्रोवाइड करेंगे. जब भी आप बैंक में जितने भी रुपीज़ डिमांड करते हैं बैंक आपको उतना रुपीज़ प्रोवाइड नहीं करता है एज ए लोन. फार्मर्स ने यहाँ पर 20 लाख का लोन जो है वो यहाँ पर डिमांड किया था बट बैंक यहाँ पर ये डिसीजन लिया कि हम उसको 16 लाख एज ए लोन प्रोवाइड करेंगे. अब मुझे बताइए तो टोटल यहाँ पर मार्जिन कितना आ गया, 4 लाख का. दैट मीन्स 20%. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फार्मर ने जो 20 लाख रुपीज़ यहाँ पर लोन एज डिमांड किया था बैंक उसको 20% मार्जिन रखकर दैट मीन्स 16 लाख रुपीज लोन जो है वो यहाँ पर इस फार्मर को प्रोवाइड कर रहा है. बट ये फार्मर जो है वो यहाँ पर बहुत क्लेवर है. बैंक इस फार्मर को 16 लाख रुपीज दिया था अपना व्हीट का क्रॉप को टेक केयर करने के लिए बट ये फार्मर यहाँ पर क्या कर रहा है, 16 लाख रुपीज एज ए लोन उसको मिलने के बाद वो यहाँ पर सिंपली मार्केट के अंदर जाता है और मार्केट के अंदर से यहाँ पर व्हीट जो है वो यहाँ पर खरीद के ले आता है और अपने घर के अंदर होर्डिंग करके रख लेता है. देखिए कितना क्लेवर ये फार्मर. उसको यहाँ पर 16 लाख रुपीज जो था वो यहाँ पर उसका व्हीट को व्हीट का जो क्रॉप था उसको टेक केयर करने के लिए मिला था बट जो फार्मर है वो 16 लाख रुपीज मार्केट के अंदर ले जाके मार्केट के अंदर जो व्हीट मिल रहा था उस व्हीट को यहाँ पर खरीद के ले आके अपने घर के अंदर होर्डिंग करके रख लिया. अब मुझे बताइए मार्केट के सॉरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी यहाँ पर फार्मर्स हैं अगर सभी फार्मर इस तरह से
बैंक से लोन ले आकर मार्केट के अंदर से व्हीट खरीद के अपने घर के अंदर होर्डिंग करके रख लेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हीट का जो सप्लाई है, देखिए व्हीट का जो सप्लाई है वो सप्लाई धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट के अंदर डिक्रीज कर जाएगा। देन 6 मंथ्स के बाद जब ये फार्मर का खुद का जो व्हीट जो वो प्रोड्यूस कर रहा था जब वो बन के रेडी हो जाएगा, उसका खुद का भी व्हीट को वो अपने घर के अंदर यहाँ पर होर्डिंग करके रख लेगा। पहले से वो मार्केट के अंदर 16 लाख रुपीज का व्हीट जो है वो होर्डिंग करके रख लिया था, जब 6 मंथ्स के बाद उसका अपना व्हीट को भी वो यहाँ पर होर्डिंग करके अपने घर के अंदर रख दे रहा है। अब मुझे बताइए, तो मार्केट के अंदर से धीरे धीरे व्हीट का जो सप्लाई है वो और भी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। जब मार्केट के अंदर सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज करेगा तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि व्हीट का जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड तो वैसे के वैसे रहेगा। सप्लाई घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो प्राइस क्या होगा कमोडिटी का, वो भी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। जब व्हीट का प्राइस सडनली मार्केट के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, तो जो फार्मर है वो जो टोटल 16 लाख रुपीज का व्हीट यहाँ पर होर्डिंग करके रखा हुआ था, प्लस जो अपना यहाँ पर खुद का जो व्हीट था उसको भी जो होर्डिंग करके रखा था उसको यहाँ पर अभी क्या करेगा, मार्केट के अंदर इसको जाके हाई प्राइस पर सेल कर देगा। तो मिल गया यहाँ पर फार्मर को सुपर प्रॉफिट। तो इसको हम बोलते हैं टोटल ब्लैक मार्केटिंग, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। आरबीआई जो है वो यहाँ पर ये बोलता है कि हम मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग को टोटल स्टॉप नहीं कर सकते। ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बट हाँ हम कुछ हद तक यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग का जो प्रोसीजर है उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे, देखिए आरबीआई यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई एसेंशियल कॉमोडिटी के ऊपर कोई भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसका मार्जिन 20% से इंक्रीज करके यहाँ पर 70-80% कर दीजिए। दैट मीन्स पहले बैंक जो है वो 20 लाख्स के ऊपर 20% मार्जिन रखकर 16 लाख रुपीज फार्मर को लोन प्रोवाइड कर रहा था, बट अगर अभी ये बैंक जो है वो 80% मार्जिन के साथ इस फार्मर को यहाँ पर 16 लाख के जगह अगर 4 लाख रुपीज लोन प्रोवाइड करेगा, आप मुझे बताइए वो पहले 16 लाख के ऊपर जितना अमाउंट का यहाँ पर व्हीट खरीद के होर्डिंग कर पा रहा था, क्या वो 4 लाख अगर उसको मिलेगा तो वो उतना अमाउंट यहाँ पर व्हीट अपने घर के अंदर होर्डिंग करके रख पाएगा? कभी नहीं। जब वो इतना अमाउंट का व्हीट यहाँ पर अपने घर के अंदर होर्डिंग करके नहीं रखेगा, तो अब मुझे बताइए क्या मार्केट के अंदर जो सप्लाई पहले केस में यहाँ पर इतना सडनली डिक्रीज कर रहा था, तो क्या उस अमाउंट से अभी सप्लाई डिक्रीज करेगा? कभी नहीं। जब मार्केट के अंदर सप्लाई इतना जल्दी डिक्रीज नहीं करेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो भी इतना सडन अमाउंट पर और सडनली यहाँ पर प्राइस जो है वो भी इंक्रीज नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में जब यहाँ पर वो 16 लाख का व्हीट यहाँ पर खरीद के होर्डिंग करके रख ले रहा था तो मार्केट के अंदर जो प्राइस सडन इंक्रीज कर जा रहा था, तो इस तरह का सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। दैट मीन्स आरबीआई ये बोलता है कि अगर आप कम मार्जिन के साथ एक फार्मर को लोन प्रोवाइड करेंगे तो मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज होने से आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन का सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आप मार्जिन को इंक्रीज कर दीजिए। जब मार्जिन इंक्रीज कर देंगे तो फार्मर को उतना, पहले जैसे 16 लाख रुपीज एक ह्यूज अमाउंट यहाँ पर लोन मिल रहा था, अभी उसको ओनली 4 लाख रुपीज लोन मिल रहा है, तो 4 लाख रुपीज में तो वो उतना होर्डिंग करके पहले जैसे रख नहीं पाएगा। तो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आरबीआई जो है वो यहाँ पर सारे कमर्शियल बैंक को ये एडवाइस करता है कि जब भी आपको एसेंशियल कॉमोडिटीज के ऊपर लोन प्रोवाइड करना होगा तो आप मार्जिन जो है उसको इंक्रीज कर दीजिए, सो दैट हम यहाँ पर जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको यहाँ पर कम कर पाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमको मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था पहले, वो इन्फ्लेशन का सिचुएशन भी अब क्रिएट नहीं होगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। होप आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो राइट डाउन द नोट्स ऑफ वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, 3 से 4 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट, अंडर वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट इट मीन्स दैट आरबीआई में इंस्ट्रक्ट बैंक्स, इट मीन्स दैट आरबीआई में इंस्ट्रक्ट बैंक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेज मार्जिनल लोन्स फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, टू रेज मार्जिनल लोन्स फॉर एसेंशियल कमोडिटीज सो एज टू प्रिवेंट होर्डिंग कमा स्पेकुलेशन, सो एज टू प्रिवेंट होर्डिंग कमा स्पेकुलेशन इन ब्लैक मार्केटिंग, इन ब्लैक मार्केटिंग। देन एग्जाम्पल, ए व्हीट ट्रेडर में टेक ए लोन फ्रॉम बैंक, ए व्हीट ट्रेडर में टेक ए लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट हिज व्हीट क्रॉप ऑफ रुपीज 20 लाख्स,
अगेंस्ट हुईज द बैंक विल गिव हिम, अगेंस्ट हुईज द बैंक विल गिव हिम लोन ऑफ 16 लाख एट मार्जिन ऑफ 20%, लोन ऑफ 16 लाख एट मार्जिन ऑफ 20%। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रेडर मे यूज दिस फंड, द ट्रेडर मे यूज दिस फंड टू बाय मोर व्हीट, टू बाय मोर व्हीट हुईज देयर बाय मे क्रिएट, हुईज देयर बाय मे क्रिएट शॉर्टेज ऑफ व्हीट, शॉर्टेज ऑफ व्हीट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, देयर बाय ही मे एंगेज इन होर्डिंग विथ ब्लैक मार्केटिंग, देयर बाय ही मे एंगेज इन होर्डिंग विथ ब्लैक मार्केटिंग। एंड द लास्ट पॉइंट, इन सच ए केस आर बी आई मे डायरेक्ट बैंक्स, इन सच ए केस आर बी आई मे डायरेक्ट बैंक्स टू रेज मार्जिन टू 70-80%, टू रेज मार्जिन टू 70-80% सो दैट द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडर दस गेट रेड्यूस्ड, सो दैट द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडर दस गेट रेड्यूस्ड। सो दैट्स इट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। होप आप सभी को वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मेजरमेंट अंडर क्वालिटेटिव मेथड्स, दैट इज नथिंग बट अवर रेगुलेटिंग लोन्स फॉर कंजप्शन पर्पज। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।